कोरबा जिले में पिछले 24 घंटे में तीन अलग अलग सड़क हादसे में 5 लोगों की गई जान। पहली घटना बांगो थाना क्षेत्र के NH 130 में यादव होटल के पास पीछे से आ रही पिकअप के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दिया। पिकअप की ठोकर से मोटरसाइकिल में पीछे बैठे प्रमोद कुमार व अमृतलाल रोड पे फेंका गए। रामनारायण यादव के ऊपर पिकअप चढ़ गया। पिकअप की जबरदस्त ठोकर ने रामनारायण यादव, अमृतलाल रजक, प्रमोद कुमार धनुहार को चोट आने से तीनों की मृत्यु हो गई। दूसरी घटना उर्गा थाना तरदा के पास घटी। ट्रेलर की ठोकर से जरहा एक ग्रामीण व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक मिस्त्री का काम करता था और अपने गृहग्राम बिरदा से रोज की तरह साइकिल पर सवार होकर काम करने कोरबा जा रहा था। इस दौरान तरदा के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया। साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर पड़ा हुआ था। तब उसे राहगीरों की मदद से डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल रवाना किया गया, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी और निजी अस्पताल रेफर करने के बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच कार्रवाई शुरू करते हुए टेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं तीसरी घटना हरदी बाजार चौकी क्षेत्र का है, जहां मुरली गांव निवासी 25 वर्षीय रंग सिंह की मजदूरी के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है रंग सिंह गांव में ही ट्रैक्टर चलाकर रोजी मजदूरी करता था। बीते दिनों वो खेत में खातू छिड़काव के लिए दो साथियों के साथ गया हुआ था। अचानक चलती ट्रैक्टर से गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल चौकी प्रभारी रविन्द्र जनार्दन ने बताया कि जिला अस्पताल से मिले मेमो के आधार पर मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई की गई है। बंजारी ग्राम के तीन व्यक्ति ये मड़ई तरफ बाजार करने गए थे खरीदी हेतु, और खरीदी पश्चात ये वापस लौट रहे थे। तकरीबन 7:30 बजे था, उसी दौरान मीकापुर से कटघोरा की तरफ आने वाली एक पिकअप इनको ठोकर मार दी। तीनों व्यक्ति वहीं ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई है और पिकअप वाहन जब्त कर लिया गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुरली चौकी हरदी बाजार के संभावित कारण गिरने से आई चोट से PHC हरदी बाजार से रिफर करने पर जिला अस्पताल कोरबा में मृत अवस्था में लाया गया था। मेमो प्राप्त हुआ था, मेमो मर्ग सदर कायम कर पंचनामा कार्रवाई में लिया गया है। आज दिनांक को मृतक के सौ पंचनामा कार्रवाई कर सौ को PM में रवाना किया गया है। मर्ग जांच पर मृतक की पत्नी के बयान लिया गया है, जिसके अनुसार मृतक सलियापारा के प्रमोद शुक्ला के ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। कल दिनांक को भी वो ट्रैक्टर चलाने गया था खातू फेंकने के लिए, तो वहाँ ट्रैक्टर से गिर गया था, जिसे उसी के गांव के दो लोग मोटरसाइकिल में बैठा के घर लाए थे और इसको पीठ में और सीने तरफ और बायां पैर में चोट लगा हुआ था। बातचीत कर रहा था, उसकी पत्नी ने उसे पूछी थी तो ट्रैक्टर से गिर गया था ऐसा करके वो बताया था। फिर हरदी बाजार ले गए इलाज के लिए। हरदी बाजार से रिफर करने पर जिला अस्पताल लाने पर मृत अवस्था में लाया गया था। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए मनहरण के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।